देश की संसद में भारत के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी वर्ष 2018 और 19 के लिए अपना बजट के प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। आज का जो उनका बजट का भाषण है उसको सुनकर के मैं बड़ी खुशी के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि वास्तव में भारत के लोगों के अच्छे दिन आ गए, देश के किसानों के और गरीबों के अच्छे दिन आ गए। देश के किसानों के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। देश की कृषि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए इस बजट को हमेशा याद किया जाएगा। कृषि की उपज, तमाम जितनी उपज है उनको लागत के ऊपर 50% जोड़ करके मूल्य देने का, सैद्धांतिक तौर पर सहमति देने का आज फैसला इस बजट के माध्यम से हुआ है। और वहीं साथ साथ कृषि के जो आधारभूत संरचना है, जो ढांचागत निवेश की आवश्यकता है, उसमें तेजी लाने का निर्णय इस बजट में किया गया है। कृषि को मिलने वाला जो लोन है, क्रेडिट फैसिलिटी है, उसको इस साल बढ़ा करके 11 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया। इसके अलावा कृषि के ढांचागत निवेश में जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी कोऑपरेटिव सेक्टर की तर्ज पर इंसेंटिव दिए गए हैं ताकि वे कृषि में निवेश को और बढ़ा सकें। यह कृषि और किसान और उसके मजदूर, उसकी हालात को सुधारने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम उन्होंने किया है। किसान के मजदूर को और वही साथ साथ जो डेयरी किसान है, भले ही वो भूमिहीन हो, उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देने का फैसला यह अपने आप में एक नया अध्याय जोड़ता है। इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी 50 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की मेडिकल के खर्च, सेकेंडरी और टर्चरी केयर के लिए उसकी स्कीम, उसकी योजना बनाने का जो काम किया है, ये पूरे समस्त विश्व में इसके मुकाबले की, इसके बराबर की कोई दूसरी योजना आज तक भी नहीं बनाई गई है। ये पूरा बजट जहां देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने का काम कर रहा है, विनिवेश के जो लक्ष्य हैं इस साल के लिए प्राप्त करके नए साल के लिए बड़े लक्ष्य रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने का जो निर्णय इस बजट में किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्षों की मेहनत के प्रयास के आधार पर, उसकी नींव पर ये निर्माण, भविष्य का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। भारत के नव निर्माण की आज जो पिछले 3 सालों में नींव रखी गई है, उसको नई गति देने का काम इस बजट ने किया है। इस बजट से भारत में आर्थिक विकास में जहां तेजी आएगी, वहीं आम आदमी के कल्याण के लिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार की व्यवस्थाएं हो, आम आदमी के कल्याण के लिए एक मार्ग प्रशस्त होगा। और निश्चित तौर पर, जैसा मैंने कहा,
कि भारत यहाँ से एक मजबूत आर्थिक महाशक्ति बनने के मार्ग की ओर बढ़ेगा और भारत के आम आदमी को इस आर्थिक उन्नति का लाभ इस बजट के प्रावधानों के माध्यम से मिलने वाला है। सर, हरियाणा की अगर बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, NCR, पंजाब का जिक्र हुआ है। मैं कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक नई स्कीम लेकर आई जाएगी, पहले पराली को लेकर गई थी, मानते हैं कि निजात मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि भारत के वित्त मंत्री जी ने इस बजट में जो हमारे सुझाव थे, आपकी जानकारी में जो मैंने प्री बजट कंसल्टेशन के बाद आपको बताया भी था कि कृषि, किसान, किसान के मजदूर, इसके संबंध में कृषि में ढांचागत निवेश के संबंध में और कृषि में ऋण की व्यवस्था को और सुचारू करने के संबंध में और किसान के ऊपर ये पर्यावरण को बचाने का बोझ अकेले उस पर ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग की जो हमने अपेक्षा की थी, वह सहयोग इस बजट के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने किया। सर, क्लस्टर मॉडल को एग्रीकल्चर एरिया में भी लागू होगा, लोगों में मुझे लगता है कि इस बार का बजट जो एक संपूर्ण बजट था, जिसमें सामान्य बजट में रेल बजट भी शामिल था, लेकिन इस बजट को मैं अगर एक शब्द में अगर संज्ञा देने का प्रयास करूं, तो ये हिंदुस्तान का ये बजट जो है, वास्तव में जो हमें कृषि प्रधान देश कहा जाता है, यह है कृषि प्रधान बजट। सर, बैंकिंग